हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम वीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, टारगेट बैच में हम आ गए हैं आज आठवें दिन। जो टारगेट डे है आज आठवां दिन है, और आठवें दिन आज आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, और कैसे पढ़ना है। कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा, आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। इस बार आप रेलवे में जॉब लेके रहोगे। अगर आप रियल में रेलवे में जॉब चाहते हो तो आपको मेरी 60 दिन की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। यानी कि जो 60 दिन में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। और ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं ही आपका रिविजन फिवियर सब करा दूंगा, आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बड़े दुखी बात है, आप लोग बहुत कम प्यार दिखा रहे हो, बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो। जो मैंने टारगेट बैच स्टार्ट किया ना, आपके लिए बैच स्टार्ट किया है, और आप ही वीडियो नहीं देख रहे हो, आप ही वीडियो नहीं देख रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तुम टारगेट बैच को बंद करवा दोगे बीच में। तो मैं नहीं चाहता कि ये टारगेट बैच बीच में बंद हो। देखो भाई, लाइक किया करो वीडियो को, शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। और देखो, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं इस बैच से ही आपका सिलेक्शन करा दूंगा, अगर आपने ईमानदारी से मेरा साथ दिया तो। बस हर चीज आपसे कुछ छूटेगी नहीं। देखिए, अगर आप अकेले पढ़ोगे ना तो आप पता नहीं पूरा सिलेबस कभी नहीं कर पाओगे। और मेरे हिसाब से पढ़ोगे, मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा आपका, पूरा सिलेबस विद प्रैक्टिस विद, यानी कुछ होता कुछ छूटेगा ही नहीं आपसे। आप बस मेरे साथ डटो तो सही। तो देखो, जो हमने टारगेट बैच है आज उसका आठवां दिन है, और आठवें दिन आपको क्या पढ़ना है। देखिए, आपने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, और आपसे क्वेश्चन बन भी रहे होंगे जिन्होंने ईमानदारी से क्या, क्योंकि मैंने कई दिन, देखिए आठवां दिन है, 7 दिन, एक दिन रहा, 6 दिन नंबर सिस्टम चलाया है। अगर आप 6 दिन में भी नहीं सीखते और तो फिर आपने ये समझे कि ईमानदारी से आप पढ़े ही नहीं हो, ईमानदारी से नहीं पढ़े हो अगर 6 दिन में भी नहीं सीख पाते। 6 दिन में तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक हो जाते हैं, यानी 3 चैप्टर खत्म हो जाते हैं अगर 6 दिन में आदमी पढ़े तो सही से। तो ये आपको मैथ में जो आज आपको पढ़ना है, एलसीएम एंड एचसीएफ वाला टॉपिक पढ़ना है। एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना है। आपको पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी कि जैसे कि कोई संख्या दे दी जाए 6, 4, 10। अब अगर आपसे इनका एलसीएम पूछा जाए और एचसीएफ पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए, इन तीनों का लेसा ऐसी संख्या लो जिससे कि तीनों उसमें समा जाएं। तो अगर मैं इसमें देखिए 30 में नहीं होगा, अगर मैं इसमें 60 लेता हूं तो 60 में ये सब आ जाएंगे, 60 में क्या आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं 4, 10, इस तरह से कट कर करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, कितना हुआ 5 बार। अब नहीं जाएगा तो 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए, ये तो हो गया इसका एलसीएम 60। और एचसीएफ निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो हाईएस्ट कॉमन हो। तो देखिए, 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, केवल और केवल 2 ही है इसका, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। देखिए, कुछ टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, एचसीएफ एलसीएम में कुछ ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं है। देखिए, एचसीएफ एलसीएम ये वाला टॉपिक है, ये आप बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। और इसमें क्या करना है, देखिए, एक तो डिवाइड में संख्या दे देता है, 2/3, 5/6, इस तरह से दे देगा, उनका एलसीएम पूछेगा, तो वो भी आसानी से निकल सकता है। मैं भी जो मेरा जंग फॉर मैथ है ना, उस चैनल पर सब कुछ कराने वाला हूं। अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग सब कुछ भंडारा उस चैनल पर भाई, भंडारा। यानी कि मैथ की तो टेंशन खत्म, वहां जंग छिड़ चुकी है, आधा सकवा पूरा मैथ करा रहा हूं, वहां जाके कर लो। तो यही 4-6 टाइप के क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको एक दिन में फिनिश कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ को बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत एक दिन में आप पूरा खत्म कर दोगे, बहुत छोटा टॉपिक है, एक दिन में फिनिश, एक दिन में ये करना है आपको। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो आपको अब रीजनिंग में पढ़ना है, रीजनिंग में क्या करना है, फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा होगा हर पेपर में, यानी जो भी, अगर आपने मॉक भी लगाया होगा ना, वो अभी एक क्वेश्चन मिलेगा, कभी तो ऐसे दे देगा, ए ए कहेगा इसमें कितने गोले हैं, कभी ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, फिर पूछेगा कितने ट्रायंगल है, कभी वर्ग दे देगा, इस तरह से दे देगा, कितने वर्ग है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिगर काउंटिंग में।
एक दिन में कर लोगे आप, बस आप इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं आपको, जैसे ये दे दिया आपको, देखिए ये दे दिया, अब इसमें कैसे काउंट करेंगे, ये फॉर्मूले से करते हैं, जैसे ये वन हो गया ये टू हो गया, तो इसको काउंट करेंगे वन टू दो कितने हो गए तीन हो गए, तो इसमें तीन ट्राइंगल है, और इसमें कितना पूछेगा यार वन टू थ्री फोर चार दूनी आठ, इस तरह से इनके फॉर्मूले होते हैं, वो सब मैं करा दूंगा, उसी टाइम से मान लो आज आपको बस किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख लो, रीजन में डालना फिगर काउंटिंग, वहां देख लेना 30-35 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, और 30-35 मिनट में उन्होंने पूरे फॉर्मूले होंगे ना वो सब समझा दिए होंगे, और थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया करो, यानी ये ऐसे नहीं है, ज्यादातर बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, और हर कोई एग्जाम में आते हैं, और आपको आकर इतना टेढ़ी मेढ़ी दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है, आसानी से करके आ जाना, ये टॉपिक आज आपको फिनिश करना है। इसके बाद बात करेंगे साइंस की, देखिए साइंस में आज जो हमने नाइन्थ की एनसीईआरटी है, कौन सी नाइन्थ की एनसीईआरटी जो कवर कर रहे हैं उसमें आपको कौन सा टॉपिक करना है, देखिए पांचवा चैप्टर करना है, कौन सा करना है, फाइव चैप्टर करना है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई, ये वाला टॉपिक है, ये करना है, अगर आपके पास साइंस की कोई भी बुक है ना उसमें भी ये टॉपिक आसानी से मिल जाएगा, तो ये वाला टॉपिक आज आप पूरी तरह से कंप्लीट करना है, पहले पढ़ना है, क्या करना है पहले इसको पढ़ना चैप्टर को आराम से, पढ़ने के बाद क्या करेंगे आपको कुछ इसमें समझ में आएगा कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज है, पढ़ने के बाद ना उसमें फिर मेन मेन चीज देखना, टिक लगा लेना, एक ऐसी पेन रखा करो जिसमें ऐसे कर देते हैं ना पीला पीला या लाल लाल कर दो, तो यानी कि डार्क डार्क या कैसे भी कर दो वो अच्छा भी दिखाई देंगे और उस पर आपका मार्कर भी चल जाएगा, या कच्ची पेन होती है ना कच्ची पेंसिल जो होती है ना उसको ले लेना, उससे अंडरलाइन कर देना कि ये चीज है, हर एक बार जो जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन जरूर करते जाना, क्योंकि आप जब दोबारा से उसको पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, फिर आपको मेन मेन चीज याद करनी है आपको। इसके बाद बात करेंगे जीके की, जीके में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीके में जो हमने संविधान हम चला रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान, वहां क्या करना है आपको पता है, आपको आज अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 65 तक कंप्लीट करने हैं मेरे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए 25 तक 30 तक 36 तक मैंने आपको याद करा दिए हैं, तो वहां आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैंने करा दिए हैं, आपको आज 36 से ऊपर यानी 65 तक याद करने हैं, और पहले वाले भी याद करने हैं, जिससे कि रिवीजन हो जाए आपका, जिससे कि आप भूलो नहीं, और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बारे में पूरी नॉलेज लेनी है आपको, और नॉलेज क्या लेनी है राष्ट्रपति के बारे में, देखिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, कैसे उसकी नियुक्ति होती है, कौन करता है, कौन कौन शामिल होते हैं, उसको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, और वो क्या क्षमादान कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत कर सकता है, उसकी एज कितनी होती है, उसकी शर्तें क्या, योग्यता क्या होनी चाहिए, वो क्या क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन कैसे लगा सकता है, वो समझ गए दोस्तों, यही चीज तो होती है। देखो अगर आपके पास कोई भी बुक है ना वहां पूरा मिलेगा, सब कुछ है इस बुक में, राष्ट्रपति देखिए कौन यानी कि राष्ट्र, ये भी याद करना है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद, कार्यकाल कितना रहा, और उसके बाद कौन बने, और किसकी मृत्यु पद यानी कि पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हो गई, और किसने कार्यवाहक के रूप में काम किया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मत छोड़ना, राष्ट्रपति से तो क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कंप्लीट आपको करना है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं जीए, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 10 नंबर का आता है रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों, 10 नंबर का आता है, इसको जीके को कम महत्व देना, कम पढ़ना, चलते फिरते पढ़ना, इसको इंपोर्टेंट देना, इसको पढ़ना बैठ करके समझ करके पढ़ना, इसमें आज आपको पढ़ना है खेल संगठन एवं इनके प्रमुख, यानी खेल संगठन और जो इसके प्रमुख वगैरह होते हैं उनको आज आपको याद करना है। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है खेल संगठन एवं प्रमुख, आप कोई भी बुक ले सकते हो और किसी भी बुक में ये चीज आपको मिल जाएगी, ये आपको कंप्लीट करनी है। देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है खेल संगठन से संबंधित, यही आपको करने हैं, जैसे कि सौरभ गांगुली को तो सब जानते होंगे कौन है, ये कौन है आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष हैं, कौन सौरभ गांगुली, और ऐसी सहदेव यादव बीबीएस लक्ष्मण कौन है, ये चीज है, ये चीज दीपा मलिक, ये चीज याद करनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है और आएगा रेलवे ग्रुप डी में,
छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इतने सारे शिफ्ट में पेपर होगा, किसी ना किसी शिफ्ट में तो टपकना ही है मेरे दोस्तों, किसी ना किसी में तो आना ही है। तो आज आपको इतना करना है आठवें दिन। और देखो, अगर आप रेगुलर चाहते हो कि मैं ये बैच पूरा कंप्लीट करूं अच्छे से, तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी किया करो, क्योंकि इस अब मेरे पे दिन पे दिन इस चैनल पर यानी कि जो मैं वीडियो टारगेट वाली है, रेस्पॉन्स आपका घटता जा रहा है। पहले दिन आपने बहुत जोश दिखाया, अब आपको पता नहीं क्या हो गया, क्या आप नौकरी नहीं चाहते हैं? मेरे दोस्तों मेहनत कर लो, अप्रैल में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, छूटने वाला नहीं, अब नहीं आगे बढ़ेगा, अप्रैल में पेपर स्टार्ट है, 100% हो जाएंगे अप्रैल में स्टार्ट, अब आगे डेट नहीं बढ़ेगी। अगर आपको नौकरी लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे एग्जाम तो 5 दिन पहले पढ़ूंगा, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, 5 दिन पहले पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, जो पहले से पढ़ते हैं ना सिलेक्शन उनका होता है, जो मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। अगर आप ऐसे भागते रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। अगर देखो वीडियो अच्छा नहीं लग रहा हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक भी कर दिया करो, लेकिन किया करो, या तो लाइक किया करो या डिसलाइक किया करो, किया करो बस। और देखो जल्दी ही आपको साइंस की क्लास मिलने वाली है जंग फॉर मैथ वाले चैनल पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जंग फॉर मैथ का लिंक दिया हुआ है, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।